ये है हीट प्रिंटिंग मशीन, इसको बोलते हैं हीट प्रेस मशीन, और इसमें सब्लिमेशन का सारा काम होता है। लाइक इससे आप कप प्रिंट कर सकते, कप पे प्रिंटिंग कर सकते हो, और इससे कैट, और इसमें कप है सब्लिमेशन कप, मतलब जो ये कप होता है ना जिन पे प्रिंटिंग होती है, इनको सब्लिमेशन कप बोलते हैं। एक्चुअली मैं आपको सारा ज्ञान भी दूंगा सब्लिमेशन का, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है, प्रिंट करके भी देखेंगे कैसे कैसे प्रिंट होते हैं। तो ये इसमें पैकिंग हुई है, मैं अभी निकाल नहीं रहा, जो बाद में निकालेंगे, कल निकालेंगे, ठीक है। अभी मैं बस इसको चेक कर रहा हूँ, पीस सारे मिले हैं मेरे को, नहीं मिले हैं, बस ये चेक कर रहा हूँ। इसमें टी शर्ट होगी, कीरिंग होगी, और टोपी होंगी, कैप्स होंगी, तो ये भी प्रिंट करेंगे हम सब। थोड़ा सा लेट वेलकम हो रहा है, जब भी टाइम मतलब लाइक 12:30 हो रखे हैं, मैंने आ लिया, तैयार हो गया सब कुछ। और जो कल मशीन आई थी ना, मैंने उसको अनबॉक्स किया, उसमें सारी चीज़ें चेक की, उसके बिल के साथ उसको मैच किया, एंड उसके बारे में थोड़ी सी मैं नॉलेज ले रहा था यार, कैसे उसमें प्रिंट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। चलो थोड़ी देर बाद जब हम अपन नीचे जाएंगे तब आपको दिखाएंगे, एंड तब वो सीन समझाएंगे कि इस मशीन का करना क्या है, और अभी फ़िलहाल क्या शुरू होने वाला है, तो विल टॉक अबाउट दिस। वैसे आपने थंबनेल वगैरह पे देख लिया होगा। तुषार आया और फिर मैं अपने रूम में ये वाला काम कर रहा था, मशीन ही रखी, सारा सामान ऐसे फैला पड़ा पूरे रूम में, और ये चीज़ मैंने लगवाई है, इसके ऊपर मतलब प्रिंटर वगैरह सब चीज़ें आ जाएंगी। अभी थोड़ी देर में फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा बताने के लिए कि एक्चुअली बिजनेस किस चीज़ का शुरू कर रहा हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसे हो गया, वो वाली टेबल है ना, वो भी कनेक्ट होगी इसके साथ, एंड सारे मतलब यहाँ पे भी एक तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लग जाएंगे। और ये केक्स ने केक के जो प्रिंट निकालते हैं उसके लिए एक मशीन हो जाएगी, 2-3 मशीन और वो रखी अंदर वहाँ पे, और ये सारा सामान इसके नीचे शिफ्ट करना है मेरे को, इसके ऊपर वॉलपेपर लगाना है, देन इसके ऊपर फर्नी चढ़ाऊंगा। अभी बस 7:10 बाकी है और मैंने ये सारा कर लिया, मतलब इधर देखो ये वाला वॉलपेपर लग गया, नीचे मैं नहीं लगाने वाला, बस यहाँ पे लग गया ये वॉलपेपर, एंड ये चीज़ देखो यार कितनी सेक्सी लग रही है। मतलब प्रिंटर रोल लेके आना पड़ेगा हमें, जो इसके मतलब जो टी शर्ट प्रिंट होते हैं ना, कप प्रिंटिंग होते हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग, इन शॉर्ट जो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग बोलते हैं जिस बिजनेस को, तो मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड विल बी सेलिंग थ्रू अमेजोन फ्लिपकार्ट, एंड अपनी शॉप पर तो बेचेंगे। तो ये मैंने एक अलग से मतलब एक स्टेप लिया अपनी लाइफ में, तो आई होप कि यार सक्सेसफुल है। तो दिस इज़ बिजनेस, एंड आई जस्ट विश कि आप लोग सपोर्ट करोगे, आपको जो भी ऑर्डर होगा तो मैं एक लिंक दे दूंगा, उस पर जाके क्लिक करके प्लीज़ मेरे को ऑर्डर दे दिया करो, आपके 2-4 ऑर्डर भी मिल ले, बहुत ज़्यादा होंगे शुरुआत में, और धीरे धीरे अपन ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आगे। सो अभी फ़िलहाल मैं बताऊँगा एक एक मशीन में कैसे कैसे काम करते हैं, फिर प्रिंट भी निकालूँ उसके। हाँ भाई आ चुके हैं, लुक हुई से तुषार जिम्मी कल्चर्स को मिस कर रही है क्या? देख देखो भाई, इसने खाना भी नहीं खाया कल से, सही बता रहा मैं, जिम्मी ने खाना तक नहीं खाया। हाँ तो शायद दिल्ली गया था ना, जिम्मी देख कैसे पागल होगी भाई, पागल होगी, पागल होगी। अबे 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 रुको ना, पागल पागल हो गया जिम्मी, बस बेटा बस। बस अब शांत, कल से इसने खाना भी नहीं खाया, रात रात खाना खाया था इसने, देख इसका खाना भी वहीं पे रखा है ऐसी। जिमी अरे 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 ये तो हो गया, बात सस्ते महंगे की नहीं है, बस इसलिए मैंने ये भी छोटा सा सेटअप करा, बिकॉज बाद में अगर सही से चला बिजनेस तो अपन बड़ा सेटअप करेंगे, तब ये चेंज कर देंगे और सब कुछ अच्छे से करेंगे। अभी फ़िलहाल जैसे स्टार्टिंग है, तो अभी फ़िलहाल शुरुआत तो कहीं से भी करनी पड़ती है, किसी ने हर किसी को मतलब कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ माई न्यू बिजनेस, एंड आई होप, एंड मैं बस यार दुआ करता हूँ यार ये सब कुछ सही से हो, मतलब सब कुछ सही से करना हमारे हाथ में होता है, बाकी ऊपर वाला तो हमेशा हमारे साथ रहते, जब तो उसको भगवान बोलते हैं, तो
मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं इसको डेडिकेटेडली करूँ, बस इतना मतलब था। मैं कभी भगवान से नहीं मांगता कि भगवान तो मेरा ये कर दे, भगवान मेरा वो कर दे, जो भी करता हूँ खुद करता हूँ और खुद ही करना चाहिए, भगवान तो आपके साथ हमेशा है। तो सब कुछ सेटअप करते करते अभी फिलहाल 8 बज गए, मेरे अंदर चाय की भूख निकल निकल के आ रही है और मैं चाय पीने जाऊँगा इसके बाद। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, दीज आर द टी शर्ट्स जो भी हम प्रिंट करेंगे। इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, एक तो ये जो स्पोर्टी लुक में आता है और ये मैट में आता है, मैट फिनिशिंग अभी दबी हुई है। जो मैट टी शर्ट्स होते हैं ना, वो ये जो फैब्रिक है ना वो मैट में है। अभी फिर कभी इस वाले बिजनेस के बारे में अच्छे से बात करेंगे जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, या फिर कुछ होप्स मिलेंगे, या फिर मेरा अमेजोन का पहला ऑर्डर आएगा, तब मैं इस बारे में बात करूँगा। अभी फिलहाल ऊपर ऊपर से समझ लो ये सब सब्लिमेशन टी शर्ट्स हैं और ये प्रिंटर, प्रिंटर अभी ये केक वाले प्रिंटर है। अभी मेरे को एक प्रिंटर और लेके आना, वो कल लेके आएंगे, तब हम पहला प्रिंट निकालेंगे अपना। और ये प्रिंटिंग मशीन है, इसको हीट प्रेस बोलते हैं, ये ऐसे खुल जाती है एंड इसको हम साइड में ऐसे करके यहाँ पे टी शर्ट वगैरह रख के जो भी आपको प्रिंट करना है वो आप इससे प्रिंट कर सकते हो। ये हो गया बंद। और ये पीछे मेरे पीछे यहाँ पे ना इससे कप प्रिंट होते हैं, मतलब यहाँ पे आप कप लगाओ और इसमें सब्लिमेशन पेपर लगा के आपको इसमें रखना होता है। देन जब आप इसको ऐसे करोगे और यहाँ से कमांड दोगे, ये इसमें एक छोटा सा कंप्यूटर दिया होगा, मतलब कितना हीट कितने टेम्परेचर के लिए देना है वो ये चीज़ बताती है। एंड इससे बहुत सारी चीज़, मतलब 5-in-1 मशीन मैंने मंगाई थी, बिकॉज अभी बेसिक है, स्टार्टिंग करनी है तो अपन कहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इस 5-in-1 मशीन में आप लोग पहले तो मग प्रिंट कर सकते हो, टी शर्ट प्रिंट कर सकते हो, कीचेन प्रिंट कर सकते हो। कीचेन मेरे पास ये रखी, कहाँ पे गई, ये कीचेन है इसमें, मतलब ये सब्लिमेशन वाली कीचेन है। अब इसमें सब्लिमेशन पेपर क्या होता है, सब्लिमेशन पेपर की जो शीट है वो ये रही, ये वाले पेपर में क्या होता है, ये इंक एब्जॉर्ब करेगा, सब्लिमेशन इंक जो होती है, ये रखी मेरे पास सब्लिमेशन इंक। तो ये इंक जब प्रिंटर से निकालेंगे, हम नॉर्मल प्रिंटर में ये वाली इंक डाल के जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे, देन इस पेपर पे वो इंक एब्जॉर्ब हो जाएगी। एंड देन जब हम इसको हीट अप करेंगे इस हीट प्रेस मशीन से, तो वो सारी की सारी इंक जो पेपर पे होगी वो टी शर्ट आपके प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, अच्छी तरीके से चिपक जाने वाली है। देन ये एक छोटा सा इनिशिएटिव था जो मैं मतलब एक दो महीने से रिसर्च कर रहा था यार, ये अपन क्या करे क्या करे क्या करे। तो बस एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दिस पर्सन, बिकॉज और धीरे धीरे अपन जो भी प्रिंटिंग का होता है ना, जैसे पोस्टर्स वगैरह होते हैं, इस तरीके प्रिंटिंग सारी चीज़ शुरू करेंगे। बस एक बार ये चल जाए और आप लोगों के साथ चाहिए, बस मैं लिंक्स डाल दूंगा अपनी वीडियोज़ के नीचे, तो आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। एंड जो आप नियर बाय देख रहे हो तो आप शॉप पर आके ऑर्डर कर सकते हो, अच्छा अलग से डिस्काउंट दे देंगे आपको। ठीक है चलो चेक करके बना दियो। इतनी सारी बनाई क्या मैगी? अच्छा वो बैंगन में बनाया आज, अच्छा मैगी जो क्या है भूर बढ़ा रहे हो आज तुम। जिम्मी अरे मैगी खा ले, मुझे क्या पता 3-4 घंटे लगातार हो गए थे काम करते करते यार, थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड दोबारा फिर मैं नीचे जाऊंगा वो सारा काम करना है। और जिम्मी ये रही, जिम्मी भी नहीं ले पाया तो मैं अपने ब्लॉग में आया जिम्मी को, जिम्मी से हाय भाई। सीरियसली कल से तो शार गया हुआ था, कल रात इसने खाना खाया था, सुबह से लेकर रात खाया था, एंड देन आज सुबह से इसने बस अभी खाया है, वो भी तुषार ने दिया इसलिए खाया। मैं इसको कल भी दिया, कल भी नहीं खाया, आज सुबह भी दिया, सुबह भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, सब तुषार के लिए तो ऐसी ही रहती है। जिम्मी कंगा तड़प रहा, नहीं नहीं